Raghu sir, कैसे हैं? वालेकुम सलाम. लॉन्ग टाइम विद दी लॉन्ग लॉस्ट सिनेमाटोग्राफर ऑफ ANM. क्या कहते हैं, मैं कहूँ एंड द बेस्ट वन सर. ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आपका हुस्ने नजर और आपका मतलब के इखलाक रहा है हमारे साथ, और आपकी मेहनत रही है हम पे कि हमें इस काबिल बनाया to be a cinematographer, to learn things, to be a good guy or even good cinematographer. It's really an honor to be your student actually, alhamdulillah. Baki jonsa hai, literally bahut arse baad hamari is tarah life baat ho rahi hai live. So I'm so happy to see you. I'm really happy and thank you so much for calling. बस यही है कि जी यार, पुराने लोग हो अपने, आपको नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. आई मीन भाग दौड़ जितनी भी इस कोरोना वायरस से पहले जितनी भाग दौड़ थी उसमें तुम बिजी थे, मैं बिजी था. आई मीन वी वर ऑल इन आवर ओन बबल्स एंड वी वर रनिंग आउट ऑफ क्या कहते हैं you know, time to really give to each other. We did not have time until suddenly इस पूरे वायरस ने पॉज किया सारों की बिजीनेस स्केड्यूल पे और कहा कि यार आई थिंक इट्स टाइम टू कैच अप विद लॉन्ग लॉस्ट टाइम. और क्या कहते हैं, आई थिंक ये वो टाइम है जिस पे इट इज टाइम टू रिफ्लेक्ट, इट इज टाइम टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट वेयर यू आर हेडिंग, जिंदगी कहाँ लेकर जा रही है. एंड रियली इट इज अबाउट दैट, इट इज अबाउट वेयर आर वी ऑल गोइंग. तो अभी कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा मामला खराब है, नो डाउट. नहीं, सिचुएशन तो नो डाउट इज वेरी बैड. क्या कहते हैं, मतलब जहां तक मुझे पता चल रहा है पाकिस्तान का, आई मीन इज दिस ट्रू, क्या कहते हैं पाकिस्तान में जो सिचुएशन जा रही है, आज मैंने पढ़ा है 1700 केसेस. जी बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में सर हालात जो उनसे हैं बड़े और मजीद खराब होते चले जा रहे हैं. और प्रॉब्लम ये है कि लोग बिल्कुल भी मतलब के समझदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे. ठीक है, हमें इस हमारी कंट्री को जहालत ले डूबेगी. टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को इतना मतलब के फोर्स किया गया है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ईज के लिए थोड़ा सा लॉकडाउन को थोड़ा सा उन्होंने अपने रूल्स को थोड़े से हाथ उठाए अपने रूल एंड रेगुलेशन से. तो प्रॉब्लम ये हुई है कि सड़कें और बाजार और मार्केट्स और सुपर स्टोर्स ऐसे भरे हुए हैं जैसे लग रहा है कि पता नहीं कयामत सर पे है. और जितना जो खरीदना है बस एक ही दो दिन में अभी खरीद लो, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा किसी को. हालात बहुत खराब है, इस हद तक चले गए अभी मतलब के लॉकडाउन. सुबह तकरीबन 10 से लेके शाम 5 बजे तक उन्होंने ईज दी है कि भाई इजीली आप अपनी जो थोड़े से मामलात हैं वो देख लें, खसूसी तौर पे उन लोगों के लिए कि जो लोग मतलब के जिनको इकोनॉमिकल इश्यूज हैं. ठीक है, जो छाबड़ी वाले हैं, जो मतलब रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनके लिए थोड़ा ईज के लिए कि वो अपना घर का सर्कल चला लें ताकि उनके लिए परेशानियां ना हो. लेकिन हमारी आवाम नहीं सुनती. ठीक है, थोड़ी सी ढील को इतना मतलब के ओवर ले लिया है कि पागल हुए हैं. हर बंदा पागल हुआ है, नहीं देख रहे कि कोरोना वायरस है, नहीं देख रहे कि इतनी बड़ी वबा हमारे सर पे, इतना बड़े आजमाइश में हैं हम लोग. लेकिन कोई एक दूसरे का साथ देने को, गवर्नमेंट का साथ, हम स्टेट के साथ नहीं खड़े हो रहे. इतने जाए लॉकडाउन जो है वहां पे फॉलो नहीं किया जा रहा और जिसकी वजह से केसेस इतने बढ़ रहे हैं. अब मुझे पता है कि रमजान है और जी ईमान आपका बड़ा इसमें मजबूत और ये वो, बट एट द सेम टाइम मसला ये है कि ये भी नहीं है कि मस्जिदें अभी फुल हैं और इस तरह फैला जा रहा है. आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है कि यार ये is not a sensible way to go about this. And I sure hope ke people in Pakistan know ke hamara healthcare system weak hai, hamara overall resources kam hai, hamare paas abadi bahut zyada hai aur khuda na khasta hai jis tarah phail raha hai, hamare paas testing us level ki nahi hai ki hame pata chale ki asal number to 4-5 guna bahut bada hai. Hame to abhi wo bhi nahi pata, we don't know ke real number hai kya. मुझे ऑनेस्टली कहते हैं एक चीज का डर है कि पीपल विल नॉट टेक दिस सीरियसली फॉर सो लॉन्ग के इवेंचुअली फिर वी विल लूज आउट ऑन टाइम एंड आपका हेल्थ केयर सिस्टम फ्लड हो जाएगा.
खैर अब सऊदीया में भी यार कोई आसान काम है, सऊदीया में भी 1900 केसेस एवरेज जा रहे हैं पिछले 3 दिन से, और यहाँ पे आपका जो पार्शल लॉकडाउन इन्होंने अभी किया था, बेसिकली फुल 24 आवर लॉकडाउन थोड़ा लिफ्ट किया है इन्होंने, और फिर उसके बाद जाके दे स्टार्टेड कि जी सुबह 9 बजे से आप शाम 5 बजे तक बाहर जा सकते हैं, आप अपने इलाके से बाहर जा सकते हैं, मॉल्स खुल गए, शॉप्स खुल गई, क्योंकि इकोनॉमिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ फॉर एवरी कंट्री, सो इवेंचुअली हर कोई जब ओपन अप थोड़ा करता है तो कहता है कि यार थोड़ा सा पैसा अंदर आए, तो लेकिन उसकी उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका ड्रॉबैक है आपके केसेस एकदम से फ्लड अप करेंगे क्योंकि लोग वापस भीड़ में चले गए, फेज आउट नहीं हुआ, पार्ट्स में नहीं हुआ, इट वेंट ऑल क्रेजी, तो सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली वही बात है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस, और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्मार्ट मूव्स के हम सारों को इंडिविजुअली सोच के यार we need to be very cautious about how we get out. इतना एकदम से मुझे लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अगर numbers नीचे जा रहे हैं तो एकदम से ऊपर भी जा सकते हैं, तो it's not about that at all.